अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो है मैं जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स जो हैं बीयू के, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और उन्हें जो है वो एलएमएस का जो यूज़ का है वो प्रॉपर नहीं पता है कि कैसे जो है वो किन किस ऑप्शन में जो है वो क्या क्या डाटा जो है वो पड़ा हुआ है और जो है वो एलएमएस का जो बैटरी यूज़ है वो कैसे करना है। तो न्यू स्टूडेंट्स को और मोस्टली जो हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो है वो मतलब कि एलएमएस का प्रॉपर जो है वो उसका यूज़ करना नहीं आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें जो मतलब कि जितने भी ऑप्शन जो हैं उन सबका जो है मैं आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड कर सकूँ और बता सकूँ कि कैसे जो है वो आप इसका बेहतर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने एंड तक लाजमी देखना है। और इसके अलावा जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब बटन पे जो रेड कलर में आपके सामने शो हो रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन उसके साथ है उस पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सके। तो चले हैं जो है वो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि एलएमएस का, तो उसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ से मैं एलएमएस का उसको लॉगिन कर लेता हूँ। एलएमएस लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो आप सब के सामने जो सबसे पहले टैब जो शो हो रहा है उसमें वो जो है वो होम का है, ऊपर जो है वो एलएमएस का आपको लोगो शो हो रहा होगा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो आपकी सबसे पहले सबके सामने जो है वो आपको शो हो रही हैं वो आपकी बुक्स हैं। तो बुक्स आपकी जितनी भी आपकी सेमेस्टर की बुक्स हैं वो सारी जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके अलावा जो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इसमें जो है वो हर बुक की कोर्स वेबसाइट है, जैसा कि आप सबको सामने जो है वो शो हो रहा होगा कि ये CS 402 की कोर्स वेबसाइट है, 501 की, 502, 301 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जो है वो सबसे पहले मैं आप सबको कोर्स वेबसाइट का जो है वो कुछ आइडिया दे दूँगी इसमें क्या कुछ होता है। सबसे पहले जो है इसमें कोर्स वेबसाइट में जो टैब है उसमें कोर्स इन्फो का है। कोर्स इन्फो में ये बताया गया होता है कि आपका कोर्स कोड क्या है और टाइटल जो है वो आपकी बुक का वो बताया गया है और उसके जो क्रेडिट आवर्स हैं कि आपने एक हफ्ते में जो है वो कितने लेक्चर जो है वो लेने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो है वो थर्ड लिखा गया है। इसकी कैटेगरी है जो वो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी पता होंगी क्योंकि आपकी जो जाहिर सी बात है कि ये बुक है तो आपको ये चीज़ें जो है पता होगी। तो मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर है, सेक्शन चार्ज जो है वो असदुल्ला है। तो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे वो बताया गया है, उसका नेम है, उसकी ईमेल एड्रेस है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे जो है वो ईमेल कर सके जो है वो अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो इसमें एक आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसकी इन्फो दी गई है, बायोग्राफी के जो है उसने कहाँ कहाँ से कौन सी क्वालिफिकेशन हासिल की है और जो है वो कहाँ कहाँ से उसने जो है वो अपनी तालीम हासिल की है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। इसमें बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो पूरी बुक के मेन टॉपिक्स हैं, मतलब कि आपकी पूरी बुक का जो कॉन्टेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें लैंग्वेज हैं और रिकर्सिव डेफिनेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज जो भी है वो आपको मेन जो कंटेंट है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है। उसके बाद जो है ओवरव्यू है। ओवरव्यू में बेसिकली आपको ये बताया गया होता है कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कब आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो 5 लेक्चर हैं उनके बाद जो है वो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है। उसके बाद जो हमारी सेकंड असाइनमेंट है वो यहाँ पे बताई गई है कि आपकी सेकंड असाइनमेंट कब आएगी। तो इस जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 लेक्चर जो है उसमें जो है वो हमारी सेकंड असाइनमेंट 11-12 लेक्चर के बाद जो वो आएगी। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्विज़ है वो 19 चैप्टर के बाद आएगा और उसके बाद जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं उसका बताया गया है कि जैसा कि वो आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि 22 चैप्टर के बाद होता है। उसके बाद थर्ड असाइनमेंट हमारी जो है वो 28 लेक्चर्स के बाद आएगी और उसके बाद जो है वो हमारी GDB जो है वो 39 लेक्चर्स अब हो जाएंगे आपके कंप्लीट। तो उसके बाद जो है वो आपका GDB जो है वो जिसे ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड कहते हैं वो एक टॉपिक होता है और उसका जो है वो आपको आंसर देना होता है 5-6 लाइन्स में या जितने भी उन्होंने करेक्टर लिमिट जो दी गई होती हैं उनमें।
और क्विज़ नंबर टू जो है वो 41 चैप्टर के बाद। तो इसका बेसिकली फ़ायदा आपको ये होगा ओवरव्यू चेक करने का कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी असाइनमेंट्स कब आ रही हैं और आपके जो क्विज़ हैं वो कब आ रहे हैं। और उसके बाद जो है वो FAQ जिसे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो बोलते हैं। तो अगर आप मतलब कि अपने किसी भी चैप्टर की जो बुक है, आपकी बुक में जो कोई चैप्टर है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो पहले 5 चैप्टर का जो वो दिया गया है कि जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो उनके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी जो हैं वो शो करवाए गए हैं। तो आप जो है वो MDB जो आपका बोर्ड है जहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछने से पहले जो है वो आप यहाँ पे चेक कर लिया करें क्या पता क्या जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसके जो आंसर हैं या सेम क्वेश्चन है वो यहाँ पे मे बी ऑलरेडी जो है वो एडेड हो, उसके जो आंसर हैं वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल डाउन करके जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट 5 लेक्चर्स थे, अब ये जो नीचे 6 से 10 लेक्चर्स के बताए गए हैं। तो ऐसे जो है वो आप अपने जो अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है ग्लोसरी है, ग्लोसरी में बेसिकली जो है वो मेन टॉपिक्स होते हैं आपके और उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है तो वो छोटी छोटी जो हैं वो लाइन्स वो ऐड की गई होती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंटरनेट लिंक्स हैं, तो ये जो है वो आपकी बुक से रिलेटेड है, तो डेफिनेशन वगैरह जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ से आपके जो है वो क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद बुक्स हैं कुछ जो हैं वो आपकी, ये जो आपकी CS401 की बुक है, उसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, उनके जो URL हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है वो सामने दिए गए हैं। उसके बाद जो है आप डाउनलोड्स का ऑप्शन है, डाउनलोड्स का जो है फोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको आपके जो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनको जो उनके बुक्स के हैंडआउट्स हैं वो नहीं मिलते। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने होम में जाना है, होम में जाने के बाद आपने कोर्स वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद जो है सीधा डाउनलोड के ऑप्शन में चले जाना है। तो आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं कि काफ़ी जो लिंक्स हैं डाउनलोड वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि page 1 to 8, तो आपने ये सारे पेज चेक करने हैं, अभी आप नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इसके जो हैंडआउट्स हैं अपडेटेड वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। और ऐसे जो है वो आपकी जो PPT स्लाइड्स हैं वो भी जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको अगर क्या कहते हैं कि ये देखें PPTs ऑफ CS402, आपकी जो PPT स्लाइड्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके हैंडआउट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको बगैर किसी और वेबसाइट में जाने की, गूगल में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडिंग स्कीम है, तो ग्रेडिंग स्कीम में ये बताया गया है कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो 10% आपके मार्क्स इंक्लूडेड होंगे और GD की जो आपकी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है उसके 5% मार्क्स होंगे, क्विजेस के 5% हैं, मिड टर्म के 35 हैं और फाइनल टर्म के जो है 45 हैं। तो ये जो है वो सारा आपका ओवरव्यू था। और इसके अलावा जो है वो आपको लेसन्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ से कोर्स वेबसाइट के आगे जो ऑप्शन है, तो आप यहाँ से जो है वो अपने हैंडआउट्स जो हैं वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो पावर पॉइंट स्लाइड जो हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं हर एक चैप्टर की अलग से, और जो है यहाँ से जो है वो आप अपना ऑनलाइन जो है वो कोर्स जो है वो अपनी बुक जो है वो रीड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लेसन वीडियोज़ हैं, तो अगर आपके पास जो है वो नेट अवेलेबल है और आप जो चाहते हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है उसका लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो क्विजेज़ हैं, क्विजेज़ का जो है वो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट में जो है वो भी शो हो जाता है और आप यहाँ से भी जो है वो अगर आपका कोई क्विजेज़ आपका कोई आया हो तो वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, तो ये जो है वो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। असाइनमेंट्स का जो है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है वो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये लेसन लिखा गया है, तो आपकी जो भी असाइनमेंट आती है तो उसका जो नीचे है वो लेसन नंबर लिखा होता है कि कौन से चैप्टर में जो है वो आपकी असाइनमेंट्स जो है वो आई है। तो आपने ये ज़रूर चेक किया करें और उस चैप्टर को ओपन करके जो है वो अपने क्वेश्चन देखा करें, और इससे जो है वो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाती है। इसके बाद जो है वो GDB है, तो अभी जो है वो मतलब कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका GDP जो है वो 35 लेक्चर्स के बाद तकरीबन इसका GDP जो है वो आएगा, तो आप जो है वो यहाँ से GDP चेक कर सकते हैं। GDP बेसिकली ये एक ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है, ये एक किस्म का क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक दिया गया होता है और आपने इस पर जो है वो डिस्कस करना होता है। वो आपको करेक्टर्स लिमिट बताई गई होती हैं कि 100 वर्ड्स लिखने हैं, 150 वर्ड्स या 200, जितने भी जो है वो आपको बताए गए होते हैं। इसके अलावा जो है वो MDB है, MDB में बेसिकली जो है वो आपका
कोई भी जो है वो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर जो जो भी है उस पर स्टूडेंट्स ने जो है वो मैसेजेस किए होते हैं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है वो कोई भी टॉपिक जो है वो आपका अगर बुक आपको नहीं समझ आ रहा तो उसमें जो है वो आप जाके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट्स दी गई हैं। अनाउंसमेंट्स में जो है वो बेसिकली आपको जो अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स आती है और या फिर जो है वो अगर आपका कोई क्विजेज आता है तो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो आपको दे दी जाती है। तो बेसिकली जो है वो आप ये डेली बेसिस पे जो है वो चेक किया करेंगे अनाउंसमेंट्स। तो इसके बाद जो ये सारी चीज़ें थी और ये सभी जो है वो प्रोसीजर हर बुक्स का सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सी एस 501 जो है इसका भी कोर्स इंप्रूव है, कॉन्टेंट्स हैं, ओवरव्यू है, इसका भी सेम यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। तो ऐसे ही जो है वो आपने अपनी सब बुक्स का जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो आपने चेक करना है कि आज के दिन के लिए जो है वो मतलब कि आपको कोई क्विजेज वगैरह या कोई असाइनमेंट्स वगैरह आई तो नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है वो सबसे पहले माई टू डूज़ में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको जो है वो यहाँ पे ब्लिंक करने के बाद जो है वो एक बॉक्स शो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी अगर कोई क्विजेज जो है वो अवेलेबल हो तो यहाँ पे जो है वो टेक क्विजेज का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी जो है वो मतलब कि ये क्विजेज दो हैं और ओपन नहीं हुए। असाइनमेंट जो है वो अभी कोई असाइनमेंट नहीं आई इसकी, और GDB जो है वो भी यहाँ पे जो है वो अभी तक कोई जो है वो उन्होंने नहीं दी गई। और इसके बाद जो है वो टीम एक्टिविटी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा जो है रिज़ल्ट नोटिफिकेशन है, आप कोई क्विजेज करते हैं या असाइनमेंट्स करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है वाइवा है, अगर आपकी किसी बुक का वाइवा है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी पेंडिंग फीसिस हैं वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जो है वो आप अपनी अकाउंट बुक है वो आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो है वो क्या सीन चल रहा है। तो उसके अलावा जो है वो ये होम का जो था ऐसे ही जो है वो आपने आपको जो है अगर आप कोई आपको कोई असाइनमेंट सही होगी तो वो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको शो करवा देगा। क्विजेज भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीरो क्विज और GDB कोई नहीं है, और अनाउंसमेंट जो है उसकी चार आई हुई हैं, तो आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको करंट लेसन जो है वो आपका चल रहा है वो चेक करना है तो आप यहाँ पे जो है वो आपको बताया गया है इसका जो 22 लेक्चर्स हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं। तो इसके अलावा यही चीज़ थी जो हमारा मेन जो है वो था। उसके बाद जो है वो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जो है वो बेसिकली आपका जो है वो नेम वगैरह एट्सेट्रा जो भी है वो आपका शो करवाया गया है। इसके बाद ग्रेड बुक है, ग्रेड बुक में जो है वो आपके मार्क्स वगैरह हैं वो आपको शो करवाए गए हैं कि आप मतलब कि जितने भी आपका मिड टर्म रिज़ल्ट है और जो भी है वो आपका जो है वो शो करवाया गया है। तो आपने अगर अपनी मिड टर्म का रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ पे जो है वो जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप ये एक आपको स्टूडेंट ग्रेड बुक शो हो रही है और एक ही मिड टर्म रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अकाउंट बुक है, उसके आगे अकाउंट बुक में बेसिकली जो है वो आप अपनी फीसेज जो है वो देख सकते हैं कि आपकी कितनी फीसेज जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ से जो है वो आप अपनी फीसेज जो है आपने पे करनी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल डायरी है, उसमें जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई नोट्स बनाना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और लेक्चर स्केड्यूल है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका जो मंडे को आपके कौन कौन से लेक्चर हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स के अभी पेपर चल रहे हैं तो ये जो है वो अभी अपडेट नहीं हुआ। तो इसके अलावा नोट्स बोर्ड है, नोट्स बोर्ड में जो है वो आपको अगर कोई जो है वो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जो कोई व्यू की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो आपको जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये भी जो है वो डेली बेसिस पे चेक कर लिया करें। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट ऐप जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज का है, इसमें जो है वो बेसिकली आपको अकेडमिक्स में जो है वो कोर्स सिलेक्शन, जब आपकी कोर्स सिलेक्शन हर सेमेस्टर जब आप न्यू एडमिशन लेते हैं उसके बाद जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको कोर्स सिलेक्शन जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपनी जो है वो बुक सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो कौन सी बुक जो है वो पढ़नी है। तो ऐसे ही जो है वो स्टूडेंट हैंडबुक्स हैं, HEC डिजिटल लाइब्रेरी है, तो अकाउंट्स में जो है वो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो अगर आपने नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सिक्योरिटी रिफंड है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और आप चाहते हैं कि आपको जो सिक्योरिटी आपने पे की थी वो आपको जो मिल जाए। उसके अलावा जो है वो आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का बताया गया है, रजिस्ट्रार ऑफिस,
काफ़ी जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप BU की ईमेल ओपन कर सक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप जाके जो है वो अपनी ईमेल ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको जो है वो अपनी ID पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है अपनी BU की ईमेल जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी किसी इंस्ट्रक्टर को जो है वो अगर मेल करनी है तो उसको जो है वो आप अपनी BU की जो ईमेल है, BU की मेल जो है वहाँ से ईमेल अगर आप करेंगे तो तब जो है वो आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल के थ्रू जो है वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है वो उसका आंसर आपको नहीं देगा। तो ये जो था वो गाइस इसका जो है वो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो है वो आप इसका जो है वो बेहतर तरीके से जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी चीज़ की आपको जो है वो आपको पूछना हो कि आप कैसे जो है वो, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप जो है वो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, और उसके साथ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।